नमस्कार दोस्तों, कोचिन सिपेट के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 4.99 ऑलमोस्ट 5% की आपको क्लियर गिरावट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आज की ट्रेडिंग सेशन में छोटा सा रेड कैंडल देखने को मिल रहा है गैप डाउन ओपनिंग के साथ में। तो स्टॉक काफ़ी समय से यहाँ पर भी एक रेंज में भी ट्रेड करता आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है क्या स्टॉक में और भी गिरेगा या कहाँ कब ऊपर जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी समय से गिर रहा है। आप देखेंगे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया और स्टॉक गिरते जा रहे हैं। और जब स्टॉक गिरता है तो इसका मतलब क्या होता है, आप एक बार समझिए। तो कोई भी स्टॉक गिरता है तो इसका मतलब होता है कोई यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, और जो एग्जिट कर रहे हैं कोई दूसरा बंदा है जो इसको बाय भी कर रहा है ना। तो इसलिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हर कैंडल पर या हर प्राइस में लोग एंट्री ले रहे हैं, ये तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। हाँ, लोग एग्जिट भी कर रहे हैं लेकिन लोग एंट्री भी ले रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर जितने सारे सपोर्ट था वो भी टूट चुका है। जैसे कि आप देखेंगे पहला सपोर्ट हमारे सामने ये ट्रेल लाइन था, ये टूट गया। हमने इसका एनालिसिस किया था कि स्टॉक यहाँ से बाउंस कर सकता है सपोर्ट लेके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्टॉक उसको तोड़ दिया। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट था, स्टॉक यहाँ से एग्जैक्टली बाउंस किया था भी, लेकिन फिर से तोड़ दिया। और दोबारा देखेंगे यहाँ पर जो हमने एनालिसिस किया था कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, और वही कंडीशन अभी तक चल रहा है। अब देख सकते हो, जब मैंने कहाँ से बोला था, यहाँ पर मैंने बोल दिया था जब स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। अब उसके बाद मैंने ये ट्रेल लाइन ड्रॉ किया और मैंने आपको क्लियरली बोला कि जब तक स्टॉक इस ट्रेल लाइन के नीचे है तब तक गिरावट रहेगा, राइट। लेकिन ये तो हमें दिख रहा है कि स्टॉक कंटिन्यूसली गिरता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक सपोर्ट लेवल यहां पर था जो कि 1626 में, स्टॉक ने इसको भी ब्रेकडाउन करके नीचे क्लोजिंग दिया था, लेकिन इसको थोड़ा सा यहां पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस करता हमें देखने को भी मिला था। तो अभी कंडीशन को अगर समझेंगे तो यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है जो कि ये वाला है 1721.9। तो अभी इस रेजिस्टेंस लाइन थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है कि स्टॉक में इतनी जो जो मूवमेंट रहता है, मतलब कि जो गिरावट रहता था उसके बाद स्टॉक जब बाउंस किया तो यहाँ पे इस तरीके से एक मूवमेंट बनाया है। तो यहाँ से संभावना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से बाउंस करता है सपोर्ट लेकर और 1722 का लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक तेजी का मूवमेंट फिर से आ सकता है, राइट। लेकिन हमारे सामने 1507 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो स्टॉक में फिर से गिरावट आ सकता है, और ये लेवल 1382 या 1383 तक रहेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको हर जगह हर सिचुएशन को बोल दिया है किस तरीके से परफॉर्म होने वाला है। कहीं आप मेरे वीडियो को देखिए, मैं हर वीडियो में आपको क्लियरली बोलता हूं कि भाई इस स्टॉक में अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो तेजी आएगा। आपको अगर याद होगा जब स्टॉक यहां पे बाउंस कर रहा था, मैंने आपको ये लेवल दिया था और ये लेवल दिया था, मैंने बोला था कि इसको ऊपर क्लोजिंग करेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं हो पाया, ऊपर ही नहीं गया, है ना। तो दोबारा मैंने और एक लेवल भी यहां पर दिया था, अब देख सकते हो क्लियर व्यू है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी सपोर्ट लिया लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, है ना। तो इस तरीके से जब तक आप देखेंगे स्टॉक कोई भी अपने प्रीवियस का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक तो तेजी नहीं आ सकता है कोई भी स्टॉक हो। मैं कोचिन सीपैड की बात, सिर्फ कोचिन सीपैड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसलिए आप देखिएगा, जब भी कोई स्टॉक अपने प्रीवियस का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है या फिर ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट करता है तभी जाके तेजी आता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी समय से हम देख रहे हैं इस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। तो इसलिए जो भी लेवल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया आप उनको ध्यान में रखिएगा, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो आप देखेंगे स्टॉक में तेजी आ सकता है, राइट। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एंट्री कहाँ पर करना चाहिए, कौन सा एरिया होता है एंट्री करना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गलत जगह पर एंट्री करते हैं, राइट। तो आपको हमेशा, मैं जो फॉलो करता हूँ, सपोर्ट पर बाय करना ये एक बेस्ट तरीका रहता है, सपोर्ट पर बाय करना और पे सेल करना। अगर आप इस तरीके से कोई भी स्ट्रैटेजी आपके पास में है जो इसको आप सपोर्ट में बाय कर सकते हो, रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हो, तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होगा। अगर आपके पास में ऐसा कोई स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करिएगा। दूसरी बात अगर बताऊं तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है, और उसमें क्या होता है ना, स्मॉल रिस्क होता है, क्योंकि रिस्क और रिवार्ड उसमें ज्यादा मिल जाता है ब्रेकआउट वाले स्ट्रैटेजी में। इवन सभी स्ट्रैटेजी में भी रिस्क और रिवार्ड अच्छा होता है, तो आपको देखना चाहिए आपका स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है, उसी हिसाब से आपको एंट्री करना है, राइट। बाकी यहाँ पर इस तरीके से कोई भी स्टॉक में रैंडमली एंट्री करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो एजुकेशन पर्पज़ पर बनाया गया है, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। धन्यवाद।